बोलिए क्या किया जाए। तो सब इक्वल है तो ऊपर का मान नीचे होगा ना, आ नहीं तो बराबर में के मान ही है। जैसे देखिए ए बाई एक्स, बी बटा वाई, सी बटा जेड, तो ऐसा टर्म में बराबर में क्या मानते हैं के। तो ए बराबर के एक्स, बी बराबर के वाई, सी बराबर के जेड। और यदि आपको कहे कि ए बी सी का रेशियो निकालिए तब क्या हो जाएगा, तब ऊपर का मान नीचे होता है। रेशियो में के मानने का, जो तो रेशियो निकाली तो के क्या होगा, कट जाएगा। तो इतना बराबर कुछ मान लिया जाए। दूसरी बात, किसका मान निकालना है, एक्स वाई जेड का, तो के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है। एक्स वाई जेड का मान किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ए बी सी। तो के मानने का जरूरत नहीं है, इसलिए कि जैसे कहता ना कि इसी का मान बताइए, तब यहाँ के मानते और के का मान निकालते। लेकिन किसका मान निकालना है, एक्स वाई जेड का, तो ऑप्शन में जैसे यहाँ कुछ मानिएगा वो ऑप्शन में तो दिया नहीं ना है, तो मानने का जरूरत नहीं है। सीधे कहिए ऊपर का मान कहाँ होता है, नीचे होता है। चलिए तो लॉग एक्स बराबर बोलिए। उसी तरह लॉग वाई बराबर बोलिए, और उसी तरह लॉग जेड बराबर, दोनों तरफ जोड़ दीजिए। बोला जाए, अब आइए प्लस का क्या चिन्ह में लिखिएगा, गुना में लिखिएगा। तो लॉग एक्स वाई जेड बराबर, अब बोलिए लॉग में जीरो माने किसका होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं लॉग कितना, वन, लॉग हटा दीजिए तो एक्स वाई जेड का मान हो जाएगा। तो आइए पहले तो उसी तरह लिख दिया जाए, लॉग एक्स बराबर बोलिए ए माइनस बी, लॉग वाई इज इक्वल टू बी माइनस सी, और लॉग जेड इज इक्वल टू सी माइनस ए। अब देखिए आपको क्या चाहिए, एक्स का पावर क्या चाहिए, ए, तो उसके लिए क्या करें, अरे यहाँ ए से गुना कर देंगे तो यही ए ना बाद में यहाँ चल जाएगा, यही ए ना बाद में यहाँ चला जाएगा। तो दोनों तरफ इसमें कितना से गुना कर दें, ए से। चलिए इसमें कितना से, बी से, और इसमें सी से। और अब फिर पहले की तरह ही बनाया जाए, तो ये ए कहाँ चल जाएगा, ऊपर में, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स का पावर ए, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए ए स्क्वायर माइनस ए बी। दूसरा में हो जाएगा लॉग वाई का पावर बी, बी स्क्वायर माइनस बी सी। उसी तरह हो जाएगा लॉग जेड का पावर सी, सी स्क्वायर माइनस ए सी। चलिए अब सबको जोड़िए, ये देखिए तो जोड़ने से ही कटेगा। जोड़ने से नहीं कटेगा, जोड़ने से नहीं कटेगा।
अच्छा देखते हैं। कुछ कॉमन उसमें लिया आएगा। ABC कॉमन कैसे हो जाएगा? जोड़िएगा तो ही हो जाएगा a² + b² + c² - ab - bc - ca। तो उतना बराबर क्या होता है? कहीं उल्टा तो नहीं लिखा गया? ना लिखा हुआ तो ठीक है। चलिए यदि हम के मानते, लगता है के मानना ही पड़ेगा क्या? के यदि मान लेते बना हुआ तो ठीक लग रहा है। चलिए इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? लॉग एक्स का पावर ए इंटू वाई का पावर बी इंटू जेड का पावर सी। आ इधर जोड़िएगा तो a² + b² + c² इसका फॉर्मूला तो हो जाता है क्यूब में। चलिए सुधारिए तो क्वेश्चन ने उल्टा लिखा गया है। सेम ही हम अंदाजे रिपीट कर दिए। तो यहाँ पर है b - c, यहाँ पर है c - a, यहाँ पर है a - b। अब सब एक दूसरे से कटेगा, क्वेश्चन ने उल्टा लिखा गया। तो आइए ये मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा? ab - ac। अगला मल्टीप्लाई करिएगा bc - ab। अगला मल्टीप्लाई करिएगा ac - bc। और इधर सब देखिए कट जाएगा, ab + ab - ac + ac - क्या हो जाएगा? जीरो को फिर लिखिएगा log 1। तो इसलिए x का पावर a इंटू वाई का पावर बी इंटू जेड का पावर सी बराबर 1। जैसा पहले लिखे थे ना, यदि वैसा होता तो x का पावर a नहीं देता। यहाँ जब ए बी था तो यहाँ पर सी देता, यहाँ यदि बी सी था तो यहाँ पर ए देता, और यहाँ ए सी था तो यहाँ पर पावर क्या देता? बी देता। चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरह का है, वो भी इसी तरह से बना लीजिएगा। और आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे। टाइम हो गया का कहीं पढ़ने जाना है का? ए कहाँ खुला हुआ है? आए अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन आइए। चलिए लिखा हुआ है log x - log√x। बेस में 10 लिखा हुआ है तो 10 लिखिए चाहे मत लिखिए, बराबर है 2 log 10 base x। एक्स का मान इसमें निकालना होगा, बोला गया है कि एक्स का मान बताइए।
तो ये बोलिए सेकंड वाला लॉग 10 का मान 1 लिखा जाए। चलिए माइनस का क्या चीज़ में, इसमें कोई दिक्कत है? आई बोलिए लॉग 10 का मान 1 होगा। अरे कैसे होगा 1? अरे बेस कितना है? तब दोनों बराबर होता है तब ना 1। चलिए तो 2 को यहाँ पावर में कर देते हैं। चलिए इतना समझा गया। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा, यानी 1/2 लॉग एक्स बराबर log100/log x। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर, आई 2 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसका मान कितना, 2, और 2 × 2 कितना, 4। तो अब आइए लॉग एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स का मान कितना, लॉग हटाना ना होगा। चलिए तो लॉग 2 का मान, हाँ मतलब 2 का मान लॉग कितना, 100, नहीं 2 का मान लॉग कितना, 100। तो अब एक्स बराबर हो गया, लॉग ना हटाना है।